कैसे हो दोस्तों? जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में वादा किया था कि हम लोग एक 50,000 के अंदर में लिक्विड कूलिंग पीसी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि मैं अपना वादा टाइमली पूरा नहीं कर सका बिकॉज आप लोगों ने इतने सारे ऑर्डर्स मेरे ऊपर बरसा दिए। अब मेरे पास टाइम तो था नहीं, लेकिन मैं आज किसी भी तरह टाइम मैनेज करके 10 बजे आप लोग वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं 9 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 10 बजे तक मेरे को अपलोड करनी है ताकि आप लोगों तक ये बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन पहुँचे। बेहतरीन क्यों कह रहा हूँ भाई, i5 10th generation का प्रोसेसर लगा हुआ है, लिक्विड कूलर लगा हुआ है, 16 GB रैम लगी हुई है, सब लेटेस्ट जनरेशन है। क्या लोगे आप 50,000 रुपये में? फ्यूचर प्रूफ भी है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस देने वाला है, कैश ऑन डिलीवरी EMI सब अवेलेबल है। अब बताओ क्या चाहिए आपको? तो बस इतना ही मैं आप लोगों को एक टीज़र देना चाहूँगा, बाकी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना स्टार्टिंग में ही लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई लिक्विड कूलर बताया नहीं, इसलिए लिक्विड कूलर मैंने एकदम लास्ट में बताया है। मैं अभी स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एकदम। और अगर कोई भी डाउट हो हमें व्हाट्सएप करो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वेबसाइट विजिट करो, जो करना है करो, लेकिन हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना अगर कुछ भी डाउट आ रहा है। सब लोग हेल्पफुल है हमारी टीम में, सब आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं, तो प्रोसेसर है हमारा i5 10th generation, जो कि है i5 10400F नहीं है। यहाँ पे अभी हमने ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए 10400 का हमने यूज़ लिया है, जो कि अमेजोन और MD कंप्यूटर्स कहीं पर भी आप चेक कर लो तो आपको अराउंड ऑन एन एवरेज 15,900 के बीच में पड़ जाएगा। तो 15,900 इसका प्राइस मान के चलते हैं। अब बात की जाए अगर मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड यहाँ पे आता है हमारा आसूस की तरफ से H510। H410 भी यूज़ किया जा सकता है, पर वो उनके लिए है जो यहाँ पे NVMe नहीं लगाने वाले। जिनको SATA SSD लगानी है उनके लिए वो बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोगों को NVMe लगानी है तो आप लोगों को H510 के साथ जाना पड़ेगा बिकॉज उसमें एक NVMe स्लॉट आता है, बाकी किसी मदरबोर्ड में यह है नहीं। अब अगर बात की जाए रैम की, तो रैम हमारी आती है यहाँ पे XPG की तरफ से 3200 MHz की 8 GB की 2 sticks, जो कि आपको पड़ जाएगी अराउंड 5300 रुपीज़ की। अगर दो लोगे तो एक लोगे तो वो डिवाइड हो जाता है, अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन अगर 50,000 का बेट है तो मिनिमम 16 GB रैम तो होनी चाहिए। बात की जाए अपनी SSD की, वो है 500 GB की NVMe WD Blue की तरफ से मैं आती है, M.2 है ये, यानी सेकेंड जनरेशन की NVMe है। ये आपको पड़ जाएगी अराउंड 4900 से 5000 के बीच में, 4900 का मान के चलो आप। बात की जाए अपनी हार्ड डिस्क की, तो यहाँ पे 1 TB की Seagate की हार्ड डिस्क होने वाली है, जो कि आपकी अराउंड 3400 रुपये की पड़ जाती है, 7000 RPM वाली। अब बात करें अगर अपनी पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई होने वाली है VS500L, जो कि आती है ANT eSports की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन पावर सप्लाई है 600 वॉट की। यहाँ पे ये आपको आराम से 3000-3200 की पड़ जाती है, 3200 का इसे मान के चलो। कैबिनेट यहाँ पे कोई भी यूज़ कर लेना, लेकिन यहाँ पे 10th generation PC अच्छा PC है तो अच्छा कैबिनेट यूज़ करना है, इसलिए मैं 3500 वाले तो रिकमेंड नहीं कर रहा, 4500 वाले तक में कोई भी बढ़िया सा कैबिनेट लेना, क्योंकि 4500 तक में बहुत अच्छे अच्छे कैबिनेट्स आ जाते हैं। लास्ट अपना एकदम चार चांद लगाने वाली चीज़, अपना जो कूलर है लिक्विड कूलर, उसके बारे में बात करते हैं। लिक्विड कूलर होने वाला है हमारा डीप कूल की तरफ से GEMX L240T, जो कि 240 mm का लिक्विड कूलर, जिसका प्राइस आपको अराउंड 5800 रुपीज़ पड़ जाएगा। कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है प्राइस, 100-200 रुपये हमेशा डिफरेंस रहेगा। टोटल प्राइस अगर इसकी कैलकुलेट की जाए तो यहाँ पे आपकी टोटल प्राइस आ रही है, जैसे कि अपना प्रोसेसर है i5 10400, ये आपको पड़ेगा 15900 का। मदरबोर्ड है अपना आसूस का H510, जो कि आपको पड़ेगा 6800 रुपीज़ का। रैम आपकी XPG की 3200 MHz 8 GB की 2 stick की आपको पड़ेगी 5300 रुपीज़ की। SSD जो है आपकी 500 GB की WD Blue N.2, ये आपको पड़ेगी 4900 रुपीज़ की। हार्ड डिस्क जो है आपकी 1 TB की Seagate 7000 RPM, ये आपको पड़ेगी 3400 रुपये की। आपकी जो पावर सप्लाई है VS600L, वो आपको पड़ेगी 3200 रुपये की। RGB कैबिनेट कोई भी अपनी तरफ से लगा लेना, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ 4500 रुपये की कोई भी लगा लेना, एक मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ सबसे बढ़िया वाली, ये भी लगा सकते हो, हम लोग ये रिकमेंड करेंगे, एयर कूलिंग वगैरह सब बढ़िया है, ये आपको पड़ेगा 4500 रुपये का। कूलर जो है अपना डीप कूल का GEMX L240T, वो आपको पड़ेगा 5800 रुपीज़ का। टोटल प्राइसिंग इज योर्स 49,800 रुपीज़। अगर कोई PC डेवलपर से लेता है तो उसको 49,000 रुपीज़ ओनली पे करने हैं, और इसमें शिपिंग फ्री होने वाली है। गारंटी जो है इसकी 1 साल की तो हमारी तरफ से रहती ही है, प्लस यहाँ पे हर कंपोनेंट पे मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 साल की वारंटी भी आपको मिलने वाली है फ्रॉम डायरेक्ट कंपनी। आपको GST बिल प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको इसमें एक ऑफर दे देता हूँ, अगर कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, उस पर कमेंट करता है
और लाइक कर देता है वीडियो को, और हमें उसका स्क्रीनशॉट देके बोलता है भाई हमने ये सब कर दिया है, अब आप बताओ हमारे लिए क्या ऑफर है। तो उनके लिए ये ऑफर है कि एक गेमिंग कीबोर्ड और माउस आपको फ्री जाएगा इस पीसी के साथ में। इसके साथ क्या, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे चैनल पर डली हुई है उन सबके साथ आपको एक गेमिंग कीबोर्ड माउस फ्री मिलेगा। आपको बस हमें स्क्रीनशॉट भेजना है और बता देना है मैंने ये सब कर दिया, आपके पास एक गेमिंग कीबोर्ड माउस पहुंच जाएगा आपके सिस्टम के साथ। तो ये आपको ऑर्डर कैसे करना है इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे फोन नंबर आ रहा है, आप इन्हें कॉल या व्हाट्सएप जो करना है करिए। यहाँ पे आप लोग अपना बता सकते हैं कि इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को हमें बाय करना है, या इंस्टाग्राम आ रहा है आप लोग यहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं, वेबसाइट आ रही है वेबसाइट पे भी बाय कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है इसका प्रॉपर लिंक हमने दिया हुआ है जो हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप लोग वहाँ से भी जाके खरीद सकते हैं। पेमेंट मेथड्स की बात करूँ तो UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI सब कुछ अवेलेबल है, वॉलेट भी अवेलेबल है। बट EMI के लिए मैं बताया था आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है लेकिन सिर्फ दिल्ली में, और हम लोग कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ 2 दिन के अंदर में कर देते हैं। आप लोगों को बस 10% अमाउंट एडवांस देना होता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बाकी सब आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देना है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो।